लोग भून देंगे एकदम प्याज और मिर्चा देके, अब इसको उतार देंगे और खाने। हो गया ये एकदम दबा दबा के इसको निचोड़ निचोड़ के एकदम छाट के और थाली एकदम फ्रेश थाली में। तो दोस्तों महुआ खाने से हम लोग को फायदा है इसलिए हम लोग खाते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाइयों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारी तरफ से आप सभी को स्वागत करते हैं और देहाती ब्लॉग्स 2.0 में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग्स में हम लोग बनाने वाले हैं कच्चे महुओं को चुनकर उसको सुखा के दोस्तों, और उसका किशमिश बनाने वाले ना जी, एकदम बिल्कुल किशमिश जैसा लगेगा दोस्तों, देखने में भी और खाने में भी। हम लोग उसको सुखा लेंगे और उसको भूंजेंगे दोस्तों, भूंज के खाएंगे। बस आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए और देखिए कैसे हम लोग महुए को किशमिश जैसा बना दे रहे हैं। एकदम बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों और उसको खाने से फायदा, इसलिए हम लोग बना के दिखा रहे हैं ब्लॉग्स में और हम लोग खा भी लेंगे दोस्तों। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए और जो जो नए होंगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज फुल सपोर्ट कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले महुआ को चुनते हैं ना जी। चलिए तो हम लोग महुआ पेड़ के पास पहुंच गए हैं दोस्तों, महुआ चुन रहे हैं एकदम। देखिए अभी गिरा नहीं है, खोचा में है ये पूरा एकदम। आज पहाड़ी महुआ नहीं गए हम लोग, आ लीजिए इसको, इधर भी गिरल है। अभी उतना धूप नहीं हुआ, धूप में गिरता है ज़्यादा। हो गया लगभग, चलिए नहीं चलिए। तो दोस्तों हम लोग महुआ चुन लिए हैं, अब इसको एकदम सूखने दे देते हैं। तो तब तक भूनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सूखेगा जितना जल्द झाड़ दिया जाता है। हाँ सूख जाएगा तो ये फूल का जो महुआ का फूल है ये हरे हरे ये अपने आप झड़ जाएगा। भाग परी भाग, भारे परी। तो दोस्तों इसको सूखने दे दिए हम लोग, अच्छी तरह से सूख गया ना पूरा। तो देख सकते हैं दोस्तों इधर छत में, अब इसको एक ढेढ़ा देंगे अच्छी तरह से, इसका जितना फूल है सब झड़ के गिर जाएगा। कोंची से पीटिएगा इसको, नहीं नहीं सूप में निकालिए और पूरा इसे इसे अथी कर दीजिए, निचोड़ दीजिए एकदम, पूरा निचोड़ा जाएगा तो ये अपने आप सब फूल झड़ जाएगा। हाँ ले आइए, सूप में रखिए, ये सूख गया एकदम खनखना के ना। इसका फूल झाड़ के दोस्तों उसके बाद इसको भूंजने से और इसको धो लेंगे और फिर सुखा देंगे इसको। नहीं सुखाएंगे तो हम लोग को कढ़ाई में भूनते भूनते सब सूख जाएगा ना जी। इसको एकदम अच्छी तरह से इसका फूल एकदम झाड़ ले रहे हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। पूरा एकदम निचोड़ कर एकदम उसका फूल सारा जितना अंदर और बाहर में जितना फूल है सबको गिराइए एकदम। देखिए सब फूल सब झड़ रहे हैं, फटक के एकदम सूप में फटक लेंगे उसके बाद फिर तो दोस्तों महुआ खाने से हम लोग को फायदा है इसलिए हम लोग खाते हैं और आप लोग को ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। दोस्तों नाक जो जिसको खून बहता है दोस्तों इसको खा लीजिएगा, सूंघ लीजिएगा, उसका बहाना कुछ कम हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। और पहले हम लोग खाते थे दोस्तों खा पी कर ही महुआ को सिझा कर घटक लपसी मकई का लपसी न जी जुंडरा, तब हम लोग पहले खाते थे दोस्तों। अब क्या कि सब धीरे धीरे विलुप्त हो गया है दोस्तों, इसलिए कोई खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग महुआ खा कर कैसे भूल जाए महुआ को, इसलिए आप लोग को भी दिखा देते हैं हम लोग खाते हैं महुआ दोस्तों। देखिए सारा फूल झड़ गया है, सारा फूल झड़ गया है, सूखेगा तभी फूल झड़ेगा अच्छी तरह से, सुखाने जाता है तो नहीं भरता है, कड़क हो जाएगा सूख के एकदम। परी लोग कहाँ भाग गई, कहाँ गई है, इसको फटक दीजिए इसको, सब जितना था सब झड़ जाए। पूरा एकदम सफाई हो गया अच्छी तरह से ना। हाँ देखिए सारा फूल निकल गया, इसको साफ भी कर दिए हैं और किशमिश जैसा लग रहा है दोस्तों। देखिए आज हम लोग महुआ वाला किशमिश खा रहे, देसी किशमिश है जी। हाँ जी,
परी लोग कहाँ ने तभी ये बोलेगी दो किशमिश समझ के खा लेंगे कच्चा ही। तो चलिए सबसे पहले अब इसको धो लेते हैं अच्छी तरह। चलिए फ्रेश पानी ले लिए हैं, अब इसको धोने के लिए दे रही है गमला में। धो लेंगे इसको अच्छे से, रगड़ रगड़ के धो लीजिए, कुछ देर सुखा दीजिए। सुखाएंगे नहीं है तो भूंजेंगे तो हो जाएगा ठीक। भूंजेंगे तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको धो दे रहे हैं एकदम, क्योंकि खाना है ना दोस्तों, इसलिए कचड़ा रह जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। ताकि नीचे गिरा हुआ रहता है महुआ तो गिर कर लाते हैं, कंकर भी घुस जाता है महुआ, कच्चा महुआ गिरने से, तो इसलिए धो लेते हैं एकदम। कंकड़ उकड़ नहीं रहे दोस्तों, नहीं तो दांत में घटाया जाएगा, कड़कड़ा जाए, दांत अच्छा नहीं लगे, खराब हो जाएगा एकदम। धो लीजिए एकदम फ्रेश करके दो तीन पानी से। आज हम लोग देसी किशमिश तैयार कर रहे हैं दोस्तों। देखिए एकदम किशमिश पूरा प्योर किशमिश लग रहा है देखने में, क्या जी? हाँ जी एकदम पूरा लग रहा है। अभी है नहीं खेलने का, नहीं तो अभी बोलेंगे खा लेंगे हम अभी। हो गया ये एकदम दबा दबा के इसको निचोड़ निचोड़ के एकदम छाट के, और थाली एकदम फ्रेश थाली में रखिए, इसका पानी गर जाना चाहिए। थोड़ा सा धूप लगा दीजिए ना अपने आप ही लग जाएगा, पावर लगेगा ना आज का, कढ़ाई में गरम से भी हो जाएगा ठीक। क्या उधर कुकर में क्या हो रहा है जी? दिए हम लोग कटहर, कटहर सीझने दिए हैं दोस्तों, मुच्ची जल्दी सीझ जाता है इसीलिए कुकर में दे देते हैं। हो गया थोड़ा सा, जब तक वो कटहर सीझ रहा तब तक धूप में रख दीजिए, सूख जाएगी, रख दीजिए। तो जो जो महुआ सूखने दिए थे ना हम लोग उधर धूप में धो के सूखने दिए थे, अब उसको कढ़ाई में भून दे रहे हैं। देखिए भूंज रही है परी की मम्मी, कुछ नहीं डाले तेल, कुछ नहीं डाली तेल, के बिना तेल के भूंज रही है दोस्तों, ताकि इसमें अच्छी तरह से थोड़ा सा सूखापन आ जाए और सीज भी जाए, सीज भी जाए, कच्चा का बारिश के टाइम खाने में बहुत मजा आता है, कच्चा का सर नहीं लगे। बिना तेल उल के भून दे रहे हैं दोस्तों इसको, देखिए उसके बाद साइड कर लेंगे, उसके बाद इसके बाद साइड करके उसके बाद प्याज और तेल दे के और भून देगी अच्छी तरह से एकदम। देखिए आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए, देखिए कैसे बना रहे हैं हम लोग। इधर देहात तरफ ज्यादा चलता है दोस्तों ये महुआ, खाते हैं लोग, बहुत सारे लोग खाते हैं। शहर में तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे। और जो जो नए होंगे दोस्तों प्लीज फुल सपोर्ट कीजिएगा, महुआ खाया जाता है, क्या कोई ऐसा थोड़ा नहीं, क्या जी? हाँ। क्या जी, महुआ खाया ही जाता है, कोई नुकसान थोड़ा करता है। भून के इसको साइड कर लीजिएगा ना। हाँ जी। और फिर उसके बाद इसको फिर से कढ़ाइया, मतलब ये तो गर्म ही है कढ़ाइया, इसमें तेल डालेंगे। हाँ। मिर्चा का फोरन डालेंगे और प्याज से भूंजेंगे इसको, प्याज भून के उसके बाद ये डाल देंगे तो हो जाएगा। भूंजा गया दोस्तों, अब इसको साइड में फिर थाली में निकाल के रख देती है, रख दीजिए जी। जो जो इसके अंदर का फूल और भी बचल कुचल था सब देखिए सब झड़ रहा है, झड़ के इसमें भी झड़ जाएगा, साइड हो जाएगा, क्या जी? हाँ। साइड कर दीजिए अब। अब उसमें दोस्तों प्याज देके और मिर्चा का फोरन देके और भून देंगे, उतार देंगे, ये अच्छी तरह से भुंजा जाएगा। अब इसको खाने लायक भी हो जाएगा और हम लोग खा के दिखाएंगे आप लोग ब्लॉग्स के माध्यम से, क्या जी? हाँ जी। देखिए इधर प्याज काट रहे हैं भूनने के लिए, ये मिर्चा इसको भी काट लेते हैं। प्याज व्याज काट लिए, अब कढ़ैया में फिर से चढ़ा दिए, तेल भी डाल दिए, फोरन डाल दिए। कढ़ैया कितना आँच लगा दिए जी, जो काला हो गया, गरम से हो गया जी। और भूजे ना महुआ, इसीलिए हो गया महुआ से हुआ है काला। प्याज भून रहे दोस्तों, कहाँ जा रहे परी? प्याज भूंजाया तो देखिए दोस्तों खाने में बड़ा स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है दोस्तों, कुरमुरा भी लगता है एकदम, बिल्कुल देसी किशमिश जैसा लग रहा है देखने में एकदम, देख सकते हैं आप लोग। भुंजा गया प्याज, अब इसको किशमिश को डाल देते हैं इसी में, किशमिश नहीं जी महुआ, हाँ वही देसी किशमिश को महुआ। हम लोग थोड़ा सा बना रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा क्यों बनाएंगे, बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। देखिए इधर हम लोग भूंज दे रहे हैं एकदम प्याज और मिर्चा देके, अब इसको उतार देंगे और खाने में इतना स्वादिष्ट लगेगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, मानो किशमिश खा रहे हैं। देखिए इधर भून दिए, चलिए इसको अब 4-5 दिन भी रख देंगे दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है। पहले के ज़माने में हम लोग को दादा दादी बहुत खाते थे दोस्तों, हम लोग को सिखा दिए हैं, पुरखों से चला आ रहा हम लोग को,
खाते आते हैं एकदम। अब ये सब आप लोग को देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, बहुत लोग इसको खाते भी नहीं है, गांव में भी बहुत लोग नहीं खाने लगे हैं, इसलिए हम ब्लॉग्स के माध्यम से दिखा रहे हैं आप लोग को दोस्तों, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब रख दीजिए इसको, झाड़िए ना जो फूल है उसको हटा लीजिए। अब ऐसा ऐसा चीज वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं दोस्तों, आप लोग एकदम फूल सपोर्ट कीजिए, फूल एकदम वॉच कीजिए वीडियो को। देखिए पहले के जमाने में बहुत सारे लोग खाते थे दोस्तों, आपके जमाने में कोई नहीं खाने लगे दोस्तों, सब फैशन का जमाना जीने लगे हैं दोस्तों, सब अपने अपने रीति रिवाज को भी भूलने लगे हैं। इसलिए दोस्तों परी गरम है भी मत खाना, क्योंकि परी आ गई है खाने के लिए, खाने के लिए आ गई है, सबसे पहले रहती है। हो गया जी? हाँ हो गया। देखिए दोस्तों हम लोग को फाइनल बना के रेडी कर दिए, देखिए इधर देसी किशमिश से। अब इसको खा के आप लोगों को टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों कैसा बना है, क्या जी? हाँ जी, खा के दिखाते हैं थोड़ा सा हम, बाकी और भी देना है इधर उधर को, बांट के खाना पड़ता है दोस्तों क्योंकि हम बनाते हैं ना। इसको रख दीजिए। हाँ जी रख देंगे। अब इसको देखिए दोस्तों, ये महुआ है, इसको खाते हैं दोस्तों, बहुत मजा आता है खाने में। बहुत मजा मिला। परी अब खा रही है, हम तो खा लिए दोस्तों, बहुत मजा लगा खा के जी, आप भी खा लीजिए अच्छा लगेगा। हम अभी नहीं खाएंगे, नहा धोने में इसके बाद खाएंगे हम। तो दोस्तों एकदम वीडियो बहुत मेहनत से बनाए दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत करते आप लोग को ब्लॉग्स में हम लोग दिखा रहे दोस्तों सिर्फ आप ही लोग के लिए। और जो जो नए होंगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। और आप लोग से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। परी बाय बोलो, बाय कहो, बाय कहो, इधर कौन है बाय।